वहीं सियामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के घाट कोपर में रहने वाली 7 वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की वाले आरोपी सचिन आनंद शामा, जिसकी उम्र 32 साल है, जो टेम्पो ड्राइवर है, उसे पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। परिमंडल 7 के DCP प्रशांत कदम ने बताया है कि लड़की वड़ा पाव लाने के लिए पास के एक दुकान पर गई थी और तभी आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर उसे दूर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद जोन 7 के DCP प्रशांत कदम ने 8 टीम गठित की और महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। इसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल घाटकोपर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसमें नाबालिग लड़की के ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ है, आरोपी अरेस्ट किया गया है। जो सीरियल ऑफेंडर है इस तरह के मामले में, क्या पूरा मामला है? ये घाटकोपर पुलिस के हाथ में एक CR हमने कल रात को रजिस्टर किया था, CR नंबर 347/22। ये लैंगिक एक 7 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के ऊपर लैंगिक अत्याचार की घटना हुई थी। इसमें जो अनआइडेंटिफाइड आरोपी था, घाटकोपर पुलिस टीम ने और टोटल जोन 7 टीम ने ये 24 आवर्स के भी अंदर ही ये आरोपी को हमने कैच कर लिया है। आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड हमको मिला है। ये घटना तब सामने आई कि जब लड़की अपने घर के बाजू में किसी शॉप में, एक वड़ा पाव सेंटर था, वहां पे कुछ सामान देखने गई थी। तब ये आरोपी जो उसके कोई पहचान वाला नहीं था, तो उसने लड़की से बात किया और लड़की को अपने साथ लेके गया और घाटकोपर के एरिया से बाहर थोड़ा जंगल क्षेत्र है, वहां पे उसने लैंगिक अत्याचार किए। जैसे ही हमको घटना सामने आई, पुलिस टीम इमीडिएट वहां पे टीम रश हुई। लड़की को हमने हिरासत में लेके पूरा मेडिकल प्रोसेस जो था उसका लीगल तरीके से हमने करवाया और एक अच्छा डिटेक्शन 24 आवर्स में हमने किया। कुछ टेक्निकल जांच थी, लोकल इन्फॉर्मर थे और हमने इसमें 8 टीम हमने ये पूरा तहकीकात में लगाई थी और ये अच्छा डिटेक्शन इंसीनियर इंस्पेक्टर घाटकोपर और एबल घाटकोपर की टीम ने किया है। CP सर, माननीय ज्वाइंट CP सर और हमारे रीजन सर ये स्पॉट पे पूरा वेरिफिकेशन और पूरा जांच देख रहे थे। सीनियर ऑफिसर भी विजिट पे आए थे। ये पूरा एक अच्छा डिटेक्शन हमने किया है। सर, आरोपी जो है इसके पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है, पुराना रिकॉर्ड? ये आरोपी का जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें पहले ही उसमें मोलेस्टेशन के उस पर गुनाह रजिस्टर्ड है। रिसेंटली ही वो अभी जेल से छूटा हुआ है, कोविड के रीजन से उसको जेल से छूटा गया था, फिर उस पर हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी करवाया था। ये उसका शायद 5वां गुना हो सकता है फिर, लेकिन हमने उसको अभी अरेस्ट किया है, अभी हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें सेक्शन क्या क्या चीज लगाई गई? अभी लैंगिक अपराध और पोस्को के सेक्शन इसमें पूरे ऐड है। आरोपी करता क्या है? आरोपी अभी जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, वो अभी एक ड्राइवर है जो अपनी एक टाटा जो टेम्पो होता है वो छोटा सा वो चलाता है और उसे शादीशुदा है, उसके घर में रहता है।